प्रिय बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ दसवीं कक्षा के अंबर भाग दो से अनुराधा शर्मा पुजारी जी द्वारा लिखित वन भ्रमण। तो बच्चों, वन भ्रमण जो कहानी अनुराधा जी ने लिखी है वो विद्यार्थियों से संबंधित है। एक विद्यालय की बात है, वहां चर्चा चल रही है आठवीं और नवीं कक्षा के विद्यार्थियों को किसी जगह वन भ्रमण के लिए ले जाने के लिए। इस दौरान विद्यार्थियों के मन में उत्साह जगा हुआ है कि कहां जाएंगे हम लोग। फिर टीचर उनसे पूछते हैं कि आप लोगों को जो वन भ्रमण में ले जाया जाएगा, आप लोगों को कहां जाना पसंद है। कोई मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो कोई काजीरंगा नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। अब इस दौरान देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स काजीरंगा नेशनल पार्क को समर्थन दे रहे हैं। लास्ट में किसी स्टूडेंट ने कहा कि वो पहले ही काजीरंगा हो चुके हैं। तो फिर वोटिंग में पता चला 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 50 से ज्यादा टीचर्स काजीरंगा नेशनल पार्क जाने के लिए तैयार हुए। अंत में काजीरंगा नेशनल पार्क ही सेलेक्ट किया गया वन भ्रमण के लिए। और उसके बाद बच्चों को बता दिया गया कि वो जब वन भ्रमण के लिए जाएंगे तो वो अपने साथ कैमरा या मोबाइल फोन्स लेके नहीं जा सकते हैं। और फिर एक लंबा लिस्ट बनाया गया कि क्या क्या चीज, जरूरत का सामान वो अपने साथ लेके जा सकते हैं। बाकी बच्चों के साथ एक भाई बहन की जोड़ी भी इस वन भ्रमण के लिए निकलने वाली थी, बहन पंखुरी और भाई पवन। भाई नवीं कक्षा का छात्र था और बहन पंखुरी आठवीं कक्षा की छात्र थी। गर्मियों की छुट्टी चल रही थी और पवन एक आलसी लड़का था। वह पढ़ाई लिखाई भी कम करने लगा। खाना खाकर जो बर्तन जहां पे है वहीं पे जूठा छोड़ दिया करता था। और पंखुरी गर्मियों की छुट्टी में अपनी मम्मी का हाथ बटाया करती थी। वो घर का सारा काम में मम्मी का हाथ बटाने के साथ साथ घर की सफाई और बर्तन वासन धोने का भी काम करती थी। एक दिन उसे गुस्सा आया पवन के ऊपर कि भैया हमेशा खाना खा लेते हो और जूठा बर्तन छोड़ देते हैं। तो पवन से उसने सवाल कर दिया कि अब तो छुट्टियां चल रही है, जब स्कूल खुला हुआ था तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, आपके काम हम लोग कर दिया करते थे, लेकिन अब तो छुट्टी है, आप तो बैठे हुए हो, आप कम से कम अपना बर्तन तो धो लिया करो। इस पर पवन मुस्कुराता है और कहता है, बर्तन वासन धोना तो लड़कियों का काम है, साफ सफाई करना तो लड़कियों का काम है, मैंने तो पापा को कभी ये सब काम करते हुए देखा नहीं कि मैं करूं। अब पंखुरी को और गुस्सा आ रहा था, उसने अपनी माँ से शिकायत करी कि क्या लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग नियम बना हुआ है क्या, भैया तो कोई काम करते नहीं है, जब नहाने जाते तो गमछा असल में एक असमिस वर्ड गामुसा से आया है, इसका मतलब टॉवेल होता है, गमछा भी भीगा हुआ गमछा भी छोड़ देते हैं। और मैं भी तो भैया की तरह पढ़ाई करती हूँ, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, काम भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भैया क्यों नहीं करते, अपना जूता तक साफ नहीं करते, उनका कुछ काम आप कर देती हो, कुछ काम मैं कर देती हूँ। तो इस तरह का शिकायत पंखुरी अपने माँ के पास लेके गई। फिर माँ ने पंखुरी को बहुत प्यार से समझाया कि बेटी देखो, मैं शुरू से बचपन से तुम्हें एज के हिसाब से काम सिखाते हुए आ रही हूँ, दोनों को, तुम्हें भी तुम्हारे भाई को भी, अब तुम लोग दोनों को अपना काम जो तुम लोग कर सकते हो वो तुम्हें खुद करना चाहिए। रहा बात पवन का, तो पवन अपना काम नहीं कर रहा है, कल को अगर तुम्हें हॉस्टल जाना पड़े या फिर सरकारी नौकरी के लिए तुम्हारा तबादला कहीं पे हो जाए तब तुम क्या करोगी, उस टाइम में तो लोग तुम्हें ठगेंगे, तुम अपना काम खुद से नहीं कर पाओगे, दूसरा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, जब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे तो दूसरे तुम्हारा फायदा उठाना चालू कर देंगे और तुम्हें ठगना चालू कर देंगे, तो इसीलिए तुम्हें अपना काम सीखना चाहिए और स्वयं करना चाहिए। इस पर पंखुरी को बहुत खुशी हुई और पंखुरी ने अपने भाई की पीठ थपथपाते हुए कहा कि देखा भैया, मम्मी ने क्या कहा, तुम बाद में बहुत पछताओगे। तो पवन उसे जवाब दिया कि ना बहना ना, मैं तो पछताने वाला नहीं हूं, जब वक्त आएगा मैं अपना काम कर लूंगा, लेकिन हाँ, और नहीं सका तो तुम किस लिए हो, तुम्हें बुला लूंगा अपने पास में अपना काम करवाने के लिए। दोनों भाई बहनों में नोकझोंक चालू हो गया, एक दूसरे को मारपीट चालू, एक दूसरे को जीभ चिढ़ाना, ये सब भाई बहनों में चलता ही रहता है।
आप लोगों के भी भाई बहनों के बीच में नोकझोंक होता ही है। अब इस नोकझोंक से माँ परेशान, माँ इसे कैसे शांत करे, तो माँ ने क्या किया, कुछ मिठाई कुछ बिस्किट से ये सब लाकर दे दिया इन लोगों के सामने कि आप लोग इसमें बच्चे उलझ जाएंगे और झगड़ा शांत हो जाएगा। फिर दोनों के लिए केले भी लाके दे दी ताकि झगड़ा शांत हो जाए और फिर झगड़ा शांत हो गया। अब वन भ्रमण का समय आ चुका था। एक बात मैं बीच में बोलूं, अभी जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए इस पार्ट को अच्छा से सुनिएगा। तो पंखुरी ने अपने बैग में एक थैले में जरूरत का सामान रखना चालू कर दिया। अब जरूरत का सामान क्या था, एक छोटी डायरी, एक बड़ी डायरी, एक पतला गमछा, एक टॉर्च लाइट, इसके साथ ही फर्स्ट एड बॉक्स मतलब प्राथमिक चिकित्सा की दवाई, सूती के कपड़े और कलम, ये सब सामान पंखुरी ने पैक कर लिया था। लेकिन पवन का सामान पैक नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, पवन जब कल क्रिकेट खेल कर आ रहा था तब पंखुरी ने देखा सारी वस्तुएं पवन की है, लेकिन आज जब पंखुरी का बैग पैक हो चुका तो पंखुरी ने पवन को देखते हुए एकदम शॉक्ड हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि पवन का बैग अभी तक पैक क्यों नहीं हुआ। तो पवन पंखुरी पे इल्जाम लगा रहा है कि तुमने अपना बैग तो भर लिया, मेरा बैग क्यों छोड़ दिया, मेरा बैग भी भर दो। अब पंखुरी भी छोटी है ना बहन, छोटी बहन का नखरा थोड़ा होता है, तो पंखुरी भी छोड़ दिए जाओ नहीं भरेंगे। तब वो माँ को चिल्ला रहा है कि मम्मी देखो पंखुरी ने अपना बैग भर लिया मेरा छोड़ दिया। अब माँ दौड़ते हुए आई और चीज को अब माँ को संभालना है। अब माँ ने पवन को समझाया और पवन को गलत बताया कि पंखुरी ने अपना काम स्वयं किया है, तुम्हें भी अपना काम खुद कर लेना चाहिए, लेकिन मन मार के मत बैठो। पवन उदास हो गया था, नहीं जाऊंगा बोलने लग गया, तो मम्मी ने समझाया कि अब तुम मन मार के मत बैठो, तुम्हारा सामान मैं पैक कर दूंगी। और इस तरह से फिर एक बार दोनों के बीच में सुलह हो गई। अब रात हुआ, सब बिस्तर पे सोने चले गए, लेकिन पंखुरी को नींद नहीं आ रही थी, पंखुरी को बेचैनी हो रही थी कि कहीं नींद गहरा हो गया और सुबह को नहीं उठ पाए वक्त पर तब कैसे होगा। तो पंखुरी ने अलार्म लगा लिया था, अलार्म लगा के वो सोने चली। अब सपना आता है पंखुरी को, सपने में वो सुंदर सुंदर पेड़ पौधे देखती है, वो आम के पेड़ और तांबूल के पेड़, तांबूल असमिस वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सुपारी, सुपारी का पेड़, तो वो तांबूल का पेड़ और आम के पेड़ की तुलना करती है, कंपेयर करती है। तो बच्चों तांबूल का पेड़ थोड़ा लंबा होता है आम के पेड़ से, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद नींबू का पेड़ देखती है, तरह तरह के भिन्न पेड़ देखती है, लताएं देखती है, और उसे ये ख्याल आता है कि ये सब चीज जो हम बाग में देख रहे हैं, ये सब चीज हम अपने घर में नहीं देख पाते, क्योंकि वो छोटे शहर की रहने वाली थी और छोटे शहर में जगह की कमी होती है, तो वहां पे हम लोग टब में पेड़ पौधे लगाते हैं। तो इस तरह से पंखुरी ने सपने में पूरा नजारा देखा, उसे ऐसे भी खूबसूरती बहुत पसंद थी, हरे भरे पेड़ पौधे बहुत पसंद थे, और अचानक से अलार्म बज चुका। अब अलार्म बजने के बाद पंखुरी चली गई मुंह हाथ धोने, पवन को उठाया, पवन और पंखुरी नाश्ता करके रेडी हो गए, अब मम्मी पापा के सामने आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हो गए दोनों। अब पिताजी उन्हें समझाते हैं कि तुम लोग जब भ्रमण पे जा ही रहे हो टीचर की बात सुनना, टीचर का साथ कभी मत छोड़ना, और हम टीचर्स के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे कि तुम लोगों का क्या एक्टिविटीज हो रहा है। माँ ने भी उन्हें अच्छा समझाया कि तुम लोग वर्ल्ड फेमस विश्व प्रख्यात अरण्य काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जा रहे हो, ठीक है, वहां से बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, अच्छा से ध्यान देना टीचर की बातों पर, सीखने की कोशिश करना ताकि आने वाले जीवन में तुम्हें इससे फायदा हो। उसके बाद दोनों बच्चों ने अपने माता पिता का पांव छूकर आशीर्वाद लिया और भ्रमण के लिए निकल पड़े। वो बस किए गए थे काजीरंगा जाने के लिए। बच्चे बस के अंदर में नाच गान डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, एंजॉयमेंट पूरा चल रहा है। इसी बीच टीचर ने स्टूडेंट्स के बीच से नेता चुन दिया, लीडर चुन दिया, पंखुरी और विदिशा को काम दिया कि अगर किसी को किसी चीज में प्रॉब्लम होता है, असुविधा होता है, तो उसका ख्याल पंखुरी और विदिशा रखेगी। उधर सौरभ और आफ्ताब को पैकेट लंच बांटने का काम दिया गया, लेकिन सौरभ और आफ्ताब को यह काम पसंद नहीं आया,
उन्होंने कहा कि कंट्रोलिंग पावर उनका ज्यादा है, तो वो लोग कंट्रोल करेंगे और पैकेट लंच विदिशा और पंखुरी बांटेंगे। इस पर गणित के शिक्षक रंजीत हजारिका को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा काम लड़का लड़की देखकर नहीं बांटा जाता है, ठीक है, जिसको जो काम मिला है वो काम वही करे, अगर तुम ये काम नहीं कर पा रहे हो तो कमजोर कौन हुआ, तुम। उसके बाद सौरभ और आफ्ताब को शर्मिंदगी हासिल हुई और दोनों ने काम के लिए हामी भर दी। इस पर सब बच्चे हंसने लगे। और इसी दौरान मालविका मैडम जो कि विज्ञान की शिक्षिका है, उन्होंने सबको अपने साथियों के साथ मिलजुल कर अच्छी तरह रहने के लिए कहा और कहा कि उन पर ध्यान भी देती रहेगी और जितनी चीज वो बच्चे देख रहे हैं मतलब काजीरंगा में देखेंगे सबको डायरी में नोट करके रखने के लिए उन्होंने सलाह दी। इसके बाद असमिया विषय के शिक्षक तपन बोरुआ ने उन्हें काजीरंगा के बारे में बताया कि काजीरंगा सिर्फ एक सिंह वाले गेंडे के लिए फेमस नहीं है, विख्यात नहीं है, बल्कि काजीरंगा में बहुत तरह के पेड़ पौधे कीट पतंग भी मौजूद है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी समझाया कि जिस प्रकार पेड़ पौधे जरूरी है उसी प्रकार कीट पतंग भी आवश्यक है। पेड़ पौधे के अलावा बहुत से जीव जंतु वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वही ऑक्सीजन मनुष्य को स्वस्थ और जीवित रखता है। हमने मेडिकल्स में, नर्सिंग होम्स में, चिकित्सालयों में बहुत से रोगियों को ऑक्सीजन मास्क पहनकर सांस लेते हुए देखते हैं। समुद्र के भीतर जाने वाले गोताखोर इसी प्रकार के ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पीठ पर बांधे रखते हैं, किंतु हमें तो ऑक्सीजन मुफ्त में ही मिल जाती है। मनुष्य कहीं भी रहे उन्हें ऑक्सीजन मुफ्त में मिलती है, लेकिन 35% से कम ऑक्सीजन मिलने पर उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहता। हम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं हमें उतना ही अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए जंगलों और उसके पेड़ पौधों के देखभाल की जिम्मेदारी तपन बोरुआ सर ने बच्चों को दिया। ने ये भी बताया कि वृक्ष फल देते हैं, छाया देते हैं और बहुत सारे पक्षियों के रहने का, कीट पतंगों के रहने का आश्रय बनते हैं, और जो वृक्ष फल नहीं देते हैं कम से कम वो हमें ऑक्सीजन तो प्रदान करते हैं जिससे हमारा जीवन है। और इन सब के बीच में उन्होंने कहा कि कल वन भ्रमण के लिए निकलेंगे 4:00। अब 4:00 की बात सुनते ही पवन ने सबसे पहले कहा कि 4:00 इतना सुबह, और पवन का समर्थन कुछ विद्यार्थियों, आलसी विद्यार्थियों ने भी किया कि एग्जाम के वक्त भी सुबह उठना, स्कूल के वक्त भी सुबह उठना, अब घूमने के लिए आए यहाँ तो कम से कम सोने को मिलता, लेकिन नहीं यहाँ भी सुबह उठने को। तो फिर मालविका मैम ने कुछ जंतुओं के नाम लेते हुए, गेंडे हाथी को नाम लेते हुए कहा कि किसको देखने हैं, अगर जिसको देखने वो 4:00 उठ जाए और जिसको नहीं देखने वो 20 सोए रहे। हंसी मजाक के दौर से गुजरते हुए सब के सब काजीरंगा पहुंच गए। वहां पे बच्चों को एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया जहां बड़े बड़े कमरे, सुंदर मकान ये सब था, उन्हें बहुत पसंद आया। उसके बाद टीचर्स ने उन्हें समझाया कि किस तरह से यहाँ रहना है, अपने काम खुद करने हैं, खाना खाकर बर्तन खुद रखने हैं, बिस्तर खुद ठीक करने हैं, लड़कों के लिए एक कमरा अलग कमरा और लड़कियों के लिए अलग कमरा का व्यवस्था किया गया और सबके लिए अलग अलग बिस्तर का व्यवस्था किया गया। अब पवन का माथा गरम कि बिस्तर खुद, बर्तन खुद। अब वो धीरे धीरे पंखुरी के नजदीक चला गया। पंखुरी के नजदीक जाने पर पंखुरी से कहता है सुबह सुबह आके मेरा बिस्तर ठीक कर देना। हाँ, पंखुरी ने आग घुरा के कहा सर या मैडम देख लेंगे ना तो मचा चखा देंगे। तो इस तरह से वो लोग काजीरंगा तक आ पहुंचे। गेस्ट हाउस के चारों ओर बच्चे घूमने लग गए, कोई झूला झूल रहा था, कोई फुटबॉल खेल रहा था, कोई बैठकर बातें कर रहे थे, हरियाली ही हरियाली थी चारों ओर। उसके बाद दोपहर के खाना का समय हुआ, खाना के लिए भोजन तैयार था, सेल्फ सर्विस लिखा हुआ था दीवार पे कि सबको खुद खाना लेना है, खाना है और सही स्थान पर बर्तन रख देना खाने के बाद। लेकिन वहां तो कोई भी ढंग से खाना नहीं खा रहा, कुछ बच्चे तो अच्छी तरह से खाना खा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं। तो फिर पंखुरी ने और विदिशा ने क्या किया, वहां पे लाइन बनाने का अरेंजमेंट किया, सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया और फिर सबको खाना परोसा गया। इसमें उनका साथ सुकुमार और अर्पण ने दिया। टीचर्स ने बहुत तारीफ की इनकी और उसके बाद फिर सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद
कुछ बच्चों ने अपना बर्तन सही जगह पर रख दिया, कुछ ने नहीं रखा। जिसने सही जगह पर रखा टीचर ने उसकी तारीफ की, और उसके बाद योजना बनी कि अब वन भ्रमण के लिए किस तरह से निकला जाए। दोपहर का भोजन करने के बाद सभी विद्यार्थी अपने अपने बिस्तर पर चले गए। कुछ लूडो खेल रहे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ चित्र बना रहे थे। इसी बीच पवन के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना सबसे पहले जीव जंतुओं को देख लिया जाए और सबको कहानियां सुनाया जाए। पवन, सौरभ और आफ्ताब ने मिलकर प्लानिंग की कि वो चुपचाप बाहर निकलेंगे और सबसे पहले जीव जंतुओं को देखने का आनंद उठाएंगे। और इन्होंने यही किया, मौके की तलाश में थे, मौका मिला और ये लोग बाहर निकल गए। सभी पहरों के बीच ये लोग बाहर निकले। दूर दूर तक इन लोगों ने देखा झोपड़िया है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो इन्हें एक तालाब नजर आई, लेकिन वो तालाब नहीं थी, वो था एक जलाशय, जो बाद में इन्हें पता चला। वहां एक नाव थी, नाव एक खूंट से बंधी हुई थी। आफ्ताब ने खूंट को खोला, सब नाव पर बैठे और पवन ने चप्पू लिया, नाव को चलाना शुरू किया और नाव आगे बढ़ना चालू हो गया। धीरे धीरे नाव आगे चली, आगे जाकर कुछ दूर बाद नाव फंस गई जलाशय में। अब जब जलाशय में फंस गए, ये लोग टेंशन में आ गए। टेंशन में आने के बाद आफ्ताब का नजर पड़ा तली पर। तली यार, पानी ऊपर जा रही है, अब पानी ऊपर भर रही है। ये लोग टेंशन में आ गए कि अब क्या किया जाए। नाव को आगे न बढ़ता देख तीनों घबरा गए। बहुत कोशिश की आफ्ताब, सौरभ, पवन, तीनों मिलकर ने बहुत कोशिश की तीनों ने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में अब नाव डूबने वाला ही है कि अचानक पवन की नजर कुछ लड़कियों पर पड़ी। लड़की कीचड़ में लथपथ थी, हाथों में उनके मछली पकड़ने वाली जटाई थी। और फिर बाद में पवन ने देखा लड़कियों की नजर पवन पर नहीं पड़ी, पर पवन की नजर लड़कियों पर पड़ गई। पवन चिल्लाना शुरू किया, चिल्लाने पर लड़की आई वहां पर और इतने में पवन पानी में गिर गया। दो लड़की पानी में छलांग मारी और पवन को बचाने के लिए आगे बढ़ी। तब तक पवन के पेट में बहुत पानी घुस चुका था। इन द मीन टाइम एक लड़की नाव को सवारने के लिए, नाव को जगह पे लाने के लिए नाव के पास गई, नाव पर सवार हुई। नाव बेसी दूर नहीं था किनारे से, लेकिन नाव पलट गया। नाव पलटने पर सौरभ और आफ्ताब भी पानी में गिर गए। अब किसी भी तरह से लड़कियों ने इन तीनों को बचा लिया, बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद पवन को पेट के बल उल्टा लेटाया, पवन का पानी निकालने की कोशिश की पेट के, और उसके बाद खूब डांटा इन लोगों को। डांटने के बाद इन लोगों का एड्रेस पूछा, कहां से आए हैं। इन लोगों को बोला कि अब तुम लोग अपने घर जाओ, शाम के वक्त होने जा रहे, हम लोग भी अपने जा रहे। ये लोग वापस चले गए। ये तीनों अब गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं और गेस्ट हाउस में लोग, जो बच्चे वहां पे हैं, टीचर से इन्हें भीगा हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सबसे पहले इनका हाल पूछते हैं, ये सारी कहानियां बताते हैं। उसके बाद तीनों को एक एक गिलास दूध दिया जाता है, फिर तीनों को आराम करने के लिए कहा जाता है और बाकी बच्चों को काजीरंगा भ्रमण के लिए ले जाया जाता है। पवन, सौरभ और आफ्ताब को नहीं ले जाया जाता है। उसके बाद सब घूम कर आते हैं। घूमने के बाद सबके मन में खुशी, लेकिन पंखुरी के मन में खुशी नहीं थी क्योंकि उसका भाई घूम नहीं सका। पंखुरी दुखी थी कि तीनों आए थे काजीरंगा नेशनल पार्क घूमने के लिए, लेकिन इनकी हरकतों की वजह से ये घूम नहीं सके। अंत में गणित के टीचर रंजीत हाजरिका सर फरमाते हैं कि खाना खाने के बाद अब नेक्स्ट डे हमें रिटर्न होना पड़ेगा। प्रोग्राम कैंसिल किया जाता है क्योंकि जो हरकत पवन, सौरभ और आफ्ताब ने की है वो शर्मनाक हरकत है। उन्हें सिर्फ घुमाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, उन्हें बच्चों की देखभाल की भी जिम्मेदारी दी गई थी, और ऐसे में किसी के साथ कुछ हादसा भी हो सकता था। नहीं हुआ, अच्छी बात है। इस पर सभी बच्चों ने समर्थन किया कि हाँ सही है, लेकिन बाद में पवन ने रियलाइज किया और रियलाइज करने के बाद पवन ने कहा कि गलती उन तीनों की है तो सजा उन तीनों को ही मिले, पूरे क्लास के, दो क्लास के बच्चों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। वो तीनों को सजा मिले, बाकी को भ्रमण का आनंद मिलना चाहिए। फिर टीचर ने कहा कि ठीक है, रात के खाने के बाद डिसीजन लिया जाएगा। खाना पीना हुआ, टीचर ने डिसीजन लिया कि एक शर्त पर हम कैंसिल नहीं करेंगे, वो है कि जिसने जो किया है, जो देखा है, जो भोगा है, उसके ऊपर एक लेख लिखा जाए। सब राजी हुए और फिर भ्रमण शुरू हुआ काजीरंगा के लिए, और पवन, सौरभ और आफ्ताब ने टीचरों को धन्यवाद दिया। दूसरे दिन के भ्रमण के दौरान वे लोग हाथी की बात
करने लगे कि हाथी कोई हमारा दुश्मन नहीं है, बाघ या कोई भी जानवर हमारे दुश्मन नहीं है, हम उनके दुश्मन बन चुके हैं, हम उनके रहने का स्थान खत्म कर रहे हैं, पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से उनका रहने की जगह खत्म हो रहा है, और इसलिए जब हम उनके पास जाते हैं वो हमें अटैक करते हैं। हालांकि अगर हम उससे नुकसान ना पहुंचाए तो वो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी बीच एक स्टूडेंट ने पूछ लिया कि गेंडे के बारे में, तो सर ने कहा कि गेंडे दो सिंह वाले भी होते हैं, सभी जंगलों में मिलते हैं, लेकिन असम एक ऐसा राज्य है भारत के अंदर में जहां एक सिंह वाला गेंडा मिलता है, और अभी तो संख्या भी कम गई है, और एक सिंह वाला गेंडा असम का राज्यिक पशु है, द रीजनल एनिमल ऑफ असम। ठीक है, फिर अब उसने कह दिया कि गेंडा को पहचाना किसने, अब इसकी पहचान के बारे में टीचर बताना शुरू किए। 1826 में यांडाबो की संधि हुई थी, उसके बाद काजीरंगा के आसपास गांव बसने चालू हो गए थे, फिर अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों के शासन के वक्त लॉर्ड कर्जन और उनकी पत्नी एक बार काजीरंगा भ्रमण के लिए निकली, वहां पे उन्होंने तरह तरह के जानवर देखे, और उसके बाद बापी राम नामक एक निगना शिकारी वहां पे था जिन्होंने मैरी कर्जन को गेंडा दिखाया, एक सिंह वाला गेंडा दिखाया। मैरी कर्जन ने उस एक सिंह वाले गेंडे को देखने के बाद उस जगह को सुरक्षित करने का निर्णय लिया, और लॉर्ड कर्जन को कहा कि इस जगह को एक सुरक्षित जंगल बना दिया जाए। तब से काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया, काजीरंगा अभयारण्य बन गया, और फिर मही चंद्र मीरी काजीरंगा के पहले अधिकारी बने और एक असमिया अधिकारी बने, और फिर वहां से एक सिंह वाले गेंडे को संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ले जाया गया, और वहीं से शुरू हुआ कि काजीरंगा एक सिंह वाले गेंडे का मुख्य निवास स्थान है। वक्त हो गया था लौटने का, सबको भूख भी लगी थी, लौटने के बाद सबने दोपहर का खाना खाया और उसके बाद जाने की तैयारियां शुरू हुई। अब जाने की तैयारी जब शुरू हो गई, सब बस पे चढ़ने से पहले सारे शिक्षकों ने सभी विद्यार्थियों को एक जगह इकट्ठा किया और सबसे पूछा कि क्या सीखा तुमने। किसी ने पेड़ पौधे के महत्वपूर्ण तक के बारे में कहा, किसी ने कहा कि लड़के और लड़कियों के बीच में भेद रखना गलत है, और किसी ने कहा कि बिना जाने जिस चीज को हम नहीं जानते हैं, जिस काम को हम नहीं जानते हैं, तो उस काम में हाथ नहीं लगाना चाहिए। किसी ने कहा कि खुद की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हमें खुद की रक्षा खुद करनी चाहिए, और किसी ने कहा कि जब हम साथ मिलके रहते हैं तो सामूहिक काम में एक दूसरे का हाथ बटाना भी जरूरी हो जाता है। उसके बाद टीचर ने कहा कि हमने तो सिर्फ 3 पॉइंट्स पूछे थे और तुम लोगों ने इतनी सारी पॉइंट्स बता दी। फिर सब खुशी खुशी बस में सवार हुए और वहां के लोगों का अभिवादन किया, टाटा बधाई किया, और इस तरह से इन यादों में, काजीरंगा में जो यादें इन लोगों ने संजोया था, उन यादों में ये लोग खो गए और विद्यालय पहुंच गए अंत में। तो बच्चों, अंत भला तो सब भला, इसके साथ इन लोगों का वन भ्रमण समाप्त हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि शिक्षा से संबंधित एजुकेशनल वीडियोस आपको क्षण भर में प्राप्त हो। धन्यवाद।